सब अच्छे होंगे। तो गाइस आपको पता है जैसा कि मैं आई हुई हूँ अपने घर, और गाइस आप देख सकते हैं कितनी तेज़ की हवा चल रही है। हवा नहीं, एक तरह का तूफान है। मैं दिखाती हूँ इसने कितनी बुरी हालत कर दी है पूरे घर की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी तेज़ की हवा है, ये तूफान आ रहा है ये यहाँ पे। और देख रहे हैं गाइस ये गमला अभी उठा कर रखा है, गमला भी टूट गया। सारे पेड़ पौधे सब कुछ ऐसे हो गया, पूरे घर में पेड़ पौधों का कचरा सब ऐसे ही फैल गया पूरे घर में। फ्रेंड से तूफान तो आ जाता है, लेकिन रोज डेली घर की साफ सफाई इतनी बढ़ जाती है हद से ज्यादा। तो फ्रेंड से देख लो, जैसा मैं बता रही थी हमारी निशी की शैडो कहीं नहीं रुकती, इतना बुरा हाल रखती है वो करके। शैडो बेटा अभी पता नहीं कैसा शांति सी बना रखी है इसने, हवा के मौसम का एंजॉय ले लिया। ये खा गई टमाटर। आजा जिम्मी, तुझे नहीं मिलेगा, ये नहीं देगी, ये सीधा ऐसे ही खा लेती है। ले जिमो। तो गाइस आंधी तूफान आने के बाद मौसम तो हो रखा है इतना अच्छा, और इधर सामने की साइड से ऐसे लग रहा है जैसे अभी बारिश पड़ने वाली है बहुत तेज। बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा। और पूरे घर की हालत हो रखी है खराब इस आंधी तूफान में, पता नहीं कहां से इतना कूड़ा आके इकट्ठा हो गया है घर में। कुछ तो पेड़ पौधों का ही इतना हो जाता है जिसके कुछ हद नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं। इधर नींबू का पेड़ है, ये भी नींबू का पेड़ है गाइस। यहाँ पर हो रखी है हमारी तुलसी, ये छोटे छोटे फ्लावर के पौधे हैं। और इधर ये हो रखा है आंख का पेड़, ये फ्लावर का पौधा है फ्रेंड्स, ये सूख गया। और ये नीचे हो रखा है पुदीना। और इधर केली है, ये टमाटर का पौधा है, ये वाला ये जो आप देख रहे हैं, ये पपीते का पौधा है गाइज। तो गाइज आंधी तूफान के साथ साथ मैं आपको अपना पूरा घर ही दिखा देती हूँ। और ये यहाँ पर भरा हुआ है हमारे गायों के लिए भूस। तो फ्रेंड्स हमारी एक गाय बंधी हुई है यहाँ पर, और फ्रेंड्स ये आप सामने देख रहे हैं, ये इसमें हमारा पानी भर के रखते हैं, इसको हमारे यहाँ पे होदी बोलते हैं। ये हमारा मेन गेट है ब्लू ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये हमारे बाथरूम है सामने। और गाइस ये टीलर खड़ा हुआ है येलो कलर में, ये डोल निकालने का होता है ब्लू ब्लू, मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। इधर हमारी मशीन लगी हुई है नियार काटने की, एक बच्चा हमारी ये है, और एक गाय हमारी ये है, और हमारे काऊ का एक बेबी ये बैठा, मतलब बैठी है, ये बहुत शैतान है। और गाइस ये हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली है, ये हमारी गाड़ी है, ये एक रूम इधर है और एक रूम इधर है। तो गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो सामने कट्टे लगे हुए हैं, ये गेहूं के कट्टे लगे हुए हैं। अभी एक दो दिन पहले ही हमारी गेहूं निकल के आई है, इसीलिए सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है। ये बाहर टंकियां रखी हुई हैं गेहूं की, ये साफ करके रखी थी। और एक रूम इधर है गाइज हमारा। तो गाइज एक रूम ये है हमारा, जो अंदर सामने आपको दिखाई दे रहा है ये स्टोर रूम में। तो गाइज ये हमारा किचन है,
ये गाइस बेसन का हलवा है और ये आप लोगों के लिए है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस ये मतलब हलवा स्वाति ने बनाया है और वो बोल रही है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। गाइस मैं इसके चैनल का लिंक डाल दूंगी अपने उसमें। और गाइस ये हमारा बरामदा है। तो गाइस आपको पता है अभी आंधी तूफान आ रखा है इसलिए सारा सामान फैला हुआ है। इतना प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है और अभी आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बारिश आने वाली है। अभी तो उठा के रखा था, ये फिर से गिर गया। चारों तरफ धूल मिट्टी हो रखी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग।